का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, एक बात बोलूं। अक्सर हम लोग हिंदी के सेंटेंसेस में ऐसे बोलते हैं, एक बात बोलूं, यह मत करो। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डू आई से वन थिंग का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। एक बात बोलूं, जो तुम कर रहे हो ना वो सही नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, डू आई से वन थिंग, वट यू डूइंग इज नॉट राइट। डू आई से वन थिंग, वट यू डूइंग इज नॉट राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। एक बात बोलूं, तुम आज के बाद से वहां मत जाना। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे। डू आई से वन थिंग, यू डोंट गो देयर फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। डू आई से वन थिंग, यू डोंट गो देयर फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इस तरह से या फिर ऐसे। अक्सर हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इस तरह से उसने मुझे देखा। ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन सच अ वे का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसने मुझे इस तरह से देखा मानो वो कुछ कहना चाहती हो। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, सी सॉ मी इन सच अ वे डैट सी वॉन्ट्स टू से समथिंग। सी सॉ मी इन सच अ वे डैट सी वॉन्ट्स टू से समथिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूं, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, यू टॉक इन सच अ वे डैट आई कांट बीट यू। यू टॉक इन सच अ वे डैट आई कांट बीट यू। यहां बीट का मतलब हराना है गाइस। बीट का मतलब पीटना भी होता है। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, किसी चीज के लिए जिद करना मानो वो बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा है। जिद करना के सेंस में आप इंसिस्ट ऑन का यूज करते हैं। किस तरह से करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें वहां कोई नहीं जानता, तुम वहां जाने की जिद क्यों कर रहे हो। आप किसी को समझा रहे हैं, है ना, हिंदी में। आप इसके लिए इंग्लिश बोल सकते हैं, नो वन नोज यू देयर, वाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन गोइंग देयर। नो वन नोज यू देयर, वाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन गोइंग देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसे जुकाम है और वो आइसक्रीम खाने की जिद कर रही है। अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, सी हैज कोल्ड एंड सी इज इंसिस्टिंग ऑन ईटिंग आइसक्रीम। सी हैज कोल्ड एंड सी इज इंसिस्टिंग ऑन ईटिंग आइसक्रीम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे झूठ बोलने से सबसे ज्यादा नफरत है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट आई मोस्ट हेट का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है मुझे झूठ बोलने से सबसे ज्यादा नफरत है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप डे टू डे लाइफ में जरूर यूज करते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू नो व्हाट, व्हाट आई मोस्ट हेट इज टेलिंग अ लाई। यू नो व्हाट, व्हाट आई मोस्ट हेट इज टेलिंग अ लाई। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे धूम्रपान से सबसे ज्यादा नफरत है और तुम वही कर रहे हो। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, व्हाट आई मोस्ट हेट इज स्मोकिंग एंड यू आर डूइंग द सेम। व्हाट आई मोस्ट हेट इज स्मोकिंग एंड यू आर डूइंग द सेम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नो क्वेश्चन राइजेस टू का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने अभी ही खाया है, दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप बोलेंगे, आई हैव जस्ट ईटन, नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट अगेन। आई हैव जस्ट ईटन, नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट अगेन। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे बता दिया है, दोबारा बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, आई हैव टोल्ड हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक अगेन। आई हैव टोल्ड हिम,
no question rises to speak again. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, काम चलाना। अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं, अभी तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक डू विद का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए। मुझे एक नया फ़ोन लेना पड़ेगा, फिलहाल मैं बटन वाले फ़ोन से काम चला रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को आप डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज़ करते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई हैव टू बाय अ न्यू फ़ोन, एज ऑफ नाउ आई एम मेकिंग डू विद कीपैड फ़ोन। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मुझे एक नए चश्मे की ज़रूरत है, फिलहाल मैं टूटे चश्मे से काम चला रहा हूँ। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, आई नीड अ न्यू स्पेक्टिकल्स, एज ऑफ नाउ आई एम मेकिंग डू विद ब्रोकन स्पेक्टिकल्स। आई नीड अ न्यू स्पेक्टिकल्स, एज ऑफ नाउ आई एम मेकिंग डू विद ब्रोकन स्पेक्टिकल्स। जुनून सवार होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे इंग्लिश बोलने का जुनून सवार है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑब्सेस्ड विद का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए। वह सारा दिन इंग्लिश पढ़ता रहता है, उसे इंग्लिश बोलने का जुनून सवार है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे, ही कीप्स ऑन रीडिंग इंग्लिश ऑल डे लॉन्ग, ही इज ऑब्सेस्ड विद स्पीकिंग इंग्लिश। ही कीप्स ऑन रीडिंग इंग्लिश ऑल डे लॉन्ग, ही इज ऑब्सेस्ड विद स्पीकिंग इंग्लिश। एक और एग्जांपल देखिए, उसे डांसर बनना है, उसे डांस सीखने का जुनून सवार है। आप बनाते हैं, सी वॉन्ट्स टू बी अ डांसर, सी इज ऑब्सेस्ड विद लर्निंग डांसिंग। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस, कोई और नहीं बल्कि। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नन अदर देन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जिस लड़के के बारे में तुम बात कर रहे हो, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। आप इस तरह के सेंटेंस डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, द बॉय हुज आर यू टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन माई ब्रदर। द बॉय हुज आर यू टॉकिंग अबाउट is none other than my brother. एक और example देखिए, वो सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी girlfriend है। आप इसे simply English में translate कर सकते हैं। Guys, एक मेरा नया channel है संदीप सागर ब्लॉग्स, तो subscribe जरूर करिएगा। That beautiful girl is none other than my girlfriend. That beautiful girl is none other than my girlfriend. आप इस तरीके से इसे English में translate कर सकते हैं। आज का हमारा अगला structure है, का कमाल है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये मेरी मम्मी की हाथों का कमाल है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अ मैजिक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए, तुम इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर लेते हो। तो आप बोलते हैं, यह मेरे सर का कमाल है, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चन सो क्विकली, इट्स अ मैजिक ऑफ माई सर। How do you solve the question so quickly? It's a magic of my sir. यह उसकी सादगी का कमाल है कि वह किसी का भी दिल जीत सकती है। आप कई बार ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, It's a magic of her simplicity that she can win anyone's heart. It's a magic of her simplicity that she can win anyone's heart. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पानी ही पानी है। ये एक एग्जांपल है गाइस। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ खिलौने ही खिलौने हैं, या फिर इसी तरह के कई वाक्य को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं नथिंग बट की मदद से। एग्जांपल देखिए, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है, वहाँ कीचर ही कीचर है। आप इस तरह से डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर, There is nothing but mud there. I don't feel like going there. There is nothing but mud there. एक और एग्जांपल देखिए, मुझे पता है उसके पास पैसा ही पैसा है, पर वह गरीब होने का नाटक करता है। मतलब उसके पास बहुत सारे पैसा है ना। आप बना सकते हैं, I know he has nothing but money, but
He acts to be poor. I know he has nothing but money, but he acts to be poor. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, न जाने कहाँ से। कई बार आप लोग हिंदी में बोलते हैं न जाने कहाँ से वह आ गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आउट ऑफ नो वेयर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, आईडी है संदीप सागर 595। मैं उसे सब कुछ बताने ही वाला था कि न जाने कहाँ से उसका भाई आ गया। आई वॉज अबाउट टू टेल हर एवरीथिंग, आउट ऑफ नो वेयर हर ब्रदर केम। इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, मैं घर जा रहा था, न जाने कहाँ से बारिश होने लगी। इस तरह का सेंटेंस आप अक्सर डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आई वॉज गोइंग होम, आउट ऑफ नो वेयर इट स्टार्टेड रेनिंग। आई वॉज गोइंग होम, आउट ऑफ नो वेयर इट स्टार्टेड रेनिंग। आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है के बिना काम चलाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं पैसे के बिना काम चला रहा हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक डू विदाउट का यूज करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए, मैं बिना गाड़ी के काम चला रहा हूँ, मुझे जल्द ही एक नई बाइक लेनी पड़ेगी। आप बना सकते हैं, आई एम मेकिंग डू विदाउट बाइक, आई विल हैव टू बाय अ न्यू बाइक सून। आई एम मेकिंग डू विदाउट बाइक, आई विल हैव टू बाय अ न्यू बाइक सून। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, मुझे जल्द ही नए जूते लेने पड़ेंगे, मैं बिना जूते का काम चला रहा हूँ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आप बना सकते हैं, आई विल हैव टू गेट अ न्यू शूज, आई एम मेकिंग डू विदाउट शूज। I'll have to get a new shoes. I'm making do without shoes. आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। से कम नहीं, कभी कभार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वो कोई चमत्कार से कम नहीं था। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नथिंग सॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैं तो चौंक गया, यह एक चमत्कार से कम नहीं था। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, I was shocked. It was nothing sort of a miracle. I was shocked. It was nothing sort of a miracle. एक और एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत बदमाश है, उसके साथ रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। He is so punk. Living with him is nothing sort of any torture. He is so punk. Living with him is nothing sort of any torture. हमारा अगला स्ट्रक्चर है और वो भी। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसने मुझे पीटा और वो भी सबके सामने। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एंड डैट टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए, तुम्हें पता भी है उसने मुझे गाली दी और वो भी सबके सामने। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। आप बोलेंगे, डू यू इवन नो ही अब्यूज्ड मी and that too in front of everyone. Do you even know he abused me and that too in front of everyone. एक और example देखिए, पता है वो लड़ाई कर रहा था और वो भी अपने best friend के साथ। आप day to day life में ऐसे कई बार बोलते होंगे, आप English में बोल सकते हैं, you know what he was fighting and that too with his best friend. You know what he was fighting and that too with his best friend. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वो अपने पैसे का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक द मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मुझे पता है वो अपने ताकत का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, आई नो ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। आई नो ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। एक और एग्जांपल देखिए, मैं समय बर्बाद नहीं करता, मैं अपने समय का पूरा पूरा फायदा उठाता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस
आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे, आप बोल सकते हैं आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम। हमारा अगला स्ट्रक्चर है से घिरा हुआ होना, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सराउंडेड विद का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आप बोलेंगे आई कांट कम, आई एम सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स, आई कांट कम, आई एम सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स। एक और एग्जांपल देखिए, पता है वो मंदिर पानी से घिरा हुआ है, है ना। आप ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी सुनते होंगे डे टू डे लाइफ में, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं यू नो वॉट डैट टेम्पल इज सराउंडेड विद वाटर, यू नो वॉट डैट टेम्पल इज सराउंडेड विद वाटर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सही नहीं है। आप कई बार ऐसे बोलते हैं वहाँ जाना सही नहीं है या फिर उससे पंगा लेना सही नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नॉट गुड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए, मेरी बात सुनो उससे पंगा लेना सही नहीं है। इस तरह से आप आम बोलचाल में काफ़ी बार बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लिसन टू मी इट्स नॉट गुड मेसिंग विद हिम, लिसन टू मी इट्स नॉट गुड मेसिंग विद हिम। आप इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, वो तुमसे बड़े हैं, उनसे इस तरह से बात करना सही नहीं है, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप बोलेंगे ही इज ओल्डर देन यू, इट्स नॉट गुड टॉकिंग विद हिम दिस वे, ही इज ओल्डर देन यू, इट्स नॉट गुड टॉकिंग विद हिम दिस वे। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं है कि, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नॉट डैट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए, तुम मुझे समझते क्या हो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता। आप सिंपली बोल सकते हैं इंग्लिश में, आप बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, इट्स नॉट दैट आई डोंट नो एनीथिंग, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, इट्स नॉट दैट आई डोंट नो एनीथिंग। एक और एग्जांपल देखिए, वो खुद ही कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है। आप ऐसे सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही कैन डू इट हिमसेल्फ, इट्स नॉट दैट ही डजंट हैव सेंस, ही कैन डू इट हिमसेल्फ, इट्स नॉट दैट ही डजंट हैव सेंस। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद से, कई बार हम लोग बोलते हैं मैं वहाँ उससे मिलने की उम्मीद से गया था। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द होप ऑफ या फिर इन द होप डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए, मैं जानता हूँ वह मेरे पास पैसे लेने की उम्मीद से आया था। आप बना सकते हैं आई नो ही हैड कम टू मी इन द होप ऑफ टेकिंग मनी, आई नो ही हैड कम टू मी इन द होप ऑफ टेकिंग मनी। एक और एग्जांपल देखिए, मैं उसके पास इस उम्मीद से गया कि वो मेरी मदद करेगा। आप बना सकते हैं आई वेंट टू हिम इन द होप डैट ही वुड हेल्प मी, आई वेंट टू हिम इन द होप डैट ही वुड हेल्प मी। आज का हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस, सिर्फ कहने का। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वो सिर्फ कहने का दोस्त है या फिर वो सिर्फ कहने का पिता है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सो कॉल्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए, वो सिर्फ कहने का दोस्त है, वो कभी फ़ोन भी नहीं करता है। आप इस तरह के सेंटेंसेस अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज़ अ सो कॉल्ड फ्रेंड, ही डजंट एवर कॉल, ही इज़ अ सो कॉल्ड फ्रेंड, ही डजंट एवर कॉल्ड। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, वो सिर्फ कहने का पिता है, उसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है।
इस तरह के सेंटेंसेस आप काफ़ी ज़्यादा सुनते होंगे डे टू डे लाइफ में, आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। ही इज़ अ सो कॉल्ड फादर, ही डजंट हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज़ अ सो कॉल्ड फादर, ही डजंट हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किस्मत से या फिर अचानक। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं अपना पर्स घर पे भूल गया था, किस्मत से मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास था। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैपन टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए। मैं शादी में गया, एक आदमी से मिला जो मेरे पिताजी का दोस्त निकला, है ना, ये अचानक हो गया। आप बनाते हैं आई मेट अ मैन इन द वेडिंग हु हैपेंस टू बी माई फादर्स फ्रेंड। आई मेट अ मैन इन द वेडिंग हु हैपेंस टू बी माई फादर्स फ्रेंड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं पर्स ले जाना भूल गया पर मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास था, है ना, ये किस्मत से हुआ, अचानक हो गया। आप हैपन टू का इस्तेमाल करते हैं, आप बोलेंगे आई लेफ्ट माई वॉलेट बट आई हैपन टू हैव माई डेबिट कार्ड। आई लेफ्ट माई वॉलेट बट आई हैपन टू हैव माई डेबिट कार्ड। ही था कि, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं घर ही पहुंचा था कि वो तुरंत आ गया। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नो सूनर हैड देन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, राहुल को मैंने फ़ोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। आप बना सकते हैं इसको इंग्लिश में, नो सूनर हैड आई कॉल्ड राहुल देन ही मैसेज्ड मी। नो सूनर हैड आई कॉल्ड राहुल देन ही मैसेज्ड मी। एक और एग्जाम्पल देखिए, पता है मैं सोया ही था कि लाइट चली गई। कई बार ऐसा होता है खास करके गर्मियों के दिनों में, आप बना सकते हैं इंग्लिश में, यू नो वॉट नो सूनर हैड आई स्लेप्ट देन लाइट इज गॉन। यू नो वॉट नो सूनर हैड आई स्लेप्ट देन लाइट इज गॉन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इसलिए नहीं करता बल्कि इसलिए करता हूँ। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं उसे पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सुंदर है, बट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो दयालु है। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट बिकॉज बट बिकॉज का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे इसलिए पसंद नहीं करता कि वह सुंदर है बल्कि इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो दिल से अच्छी है। आई लाइक हर नॉट बिकॉज सी इज़ ब्यूटिफुल बट बिकॉज सी इज गुड वाई हार्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाता कि मुझे पैसे चाहिए बल्कि इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। आप बोल सकते हैं आई टीच स्टूडेंट्स नॉट बिकॉज आई वॉन्ट मनी बट बिकॉज आई लव टीचिंग। आई टीच स्टूडेंट्स नॉट बिकॉज आई वॉन्ट मनी बट बिकॉज आई लव टीचिंग। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लम होगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द मोर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, जितना ज़्यादा आपके पास काम होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। द मोर वर्क यू गेट द मोर प्रॉब्लम्स यू विल हैव। द मोर वर्क यू गेट द मोर प्रॉब्लम्स यू विल हैव। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जितना ज़्यादा आपके दोस्त होंगे उतना ही कम आपके पास टाइम होगा। ये तो राइट है, थोड़ा थोड़ा टाइम आप सबको देंगे। द मोर फ्रेंड्स यू गेट द लेस टाइम यू विल हैव। देखिए गाइस, यहाँ द लेस का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही कम। द मोर फ्रेंड्स यू गेट द लेस टाइम यू विल हैव। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं ये भी कोई बोलने वाली बात है, मैं जरूर आऊँगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं इट गोज विदाउट सेइंग। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, ये भी बोलने वाली बात है कि एक्टर बहुत पैसा कमाते हैं, ये सबको पता है ना, तो आप बना सकते हैं इट गोज विदाउट सेइंग दैट एक्टर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी एवरीवन नोज इट।
It goes without saying that actors earn a lot of money. Everyone knows it. ये भी बोलने वाली बात है. आप चिंता न करें, मैं जरूर आऊँगा. आप बना सकते हैं. It goes without saying, don't worry, I must come. It goes without saying, don't worry, I must come. हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ तो और कुछ तो. कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ तो मोटापा और कुछ तो छोटे कद के कारण उसे छांट दिया गया. तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप पार्टली बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं. कैसे करना है एग्जांपल देखिए. कुछ तो मोटापा और कुछ तो छोटे कद के कारण उसे छांट दिया गया. आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप बोलेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ फैटनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाइट ही वॉज रिजेक्टेड. पार्टली बिकॉज ऑफ फैटनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाइट ही वॉज रिजेक्टेड. कुछ तो महंगाई और कुछ तो दूर की वजह से मैं वहाँ नहीं जाता हूँ. आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप बोलेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ डियरनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्टेंट आई डोंट गो देयर. पार्टली बिकॉज ऑफ डियरनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्टेंट आई डोंट गो देयर. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी के भेस में. है ना, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वो पुलिस के भेस में आया था या फिर वो डॉक्टर के भेस में आया था. इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द गाइज ऑफ का यूज़ करते हैं. कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए. मैं तो उसे पहचान भी ना सका, वो एक साधु के भेस में आया था. है ना, आप इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप बोलेंगे आई कुडेंट इवन रिकग्नाइज हिम, ही हैड कम इन द गाइज ऑफ अ सेंट. आई कुडेंट इवन रिकग्नाइज हिम, He had come in the guise of a saint. एक और example देखिए. तुम्हें पता भी है, वो पुलिस के भेस में एक चोर था. कई बार डे टू डे लाइफ में आप इस तरह से हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं. Do you even know he was a thief in the guise of police? Do you even know he was a thief in the guise of police? आप इस तरह से यूज़ करते हैं. हमारा अगला स्ट्रक्चर है किसी के साथ नहीं बनना या फिर किसी के साथ नहीं पटना. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा तुम्हारे साथ नहीं बनता है, तो आप गेट अलॉन्ग विथ का यूज़ करते हैं. कैसे करना है एग्ज़ाम्पल देखिए. नहीं, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मुझे उससे नहीं बनता है या फिर मुझे उससे नहीं पटता है. दोनों के लिए आप गेट अलॉन्ग विथ का यूज़ करते हैं. कैसे करना है देखिए. No, I don't talk to him. I don't get along with him. No, I don't talk to him. I don't get along with him. वे रोज झगड़ते हैं, उसे अपनी बीवी से नहीं बनती है. है ना, आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप बनाएंगे They fight every day. He doesn't get along with his wife. They fight every day. He doesn't get along with his wife. आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है अच्छा होगा या फिर अच्छा रहेगा. कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपके लिए अच्छा होगा, आप चले जाएं. इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैड वेटर का यूज़ करते हैं. कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए. आपके लिए अच्छा होगा, वीडियो पूरी देखिए, नहीं तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे. है ना, आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. आप बोलेंगे You had better watch the whole video or else you will not be able to learn properly. You had better watch the whole video or else you will not be able to learn properly. तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि उसे भूल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. ये गुस्से से बोला जा रहा है. आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप बोलेंगे You had better forget her. Otherwise, I will not spare you. You had better forget her. Otherwise, I will not spare you. इस तरह से आप इसका यूज़ करते हैं. हमारा आज का अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बात यह है कि. कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बात यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ. है ना, इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे. तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द पॉइंट इज डैट का यूज़ करते हैं. कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए. बात यह है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ और वो जिद कर रही है.
आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आप बोलेंगे द पॉइंट इज डैट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एंड सी इज इंसिस्टिंग. द पॉइंट इज डैट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एंड सी इज इंसिस्टिंग. एक और एग्जाम्पल देखिए, बात यह है कि वो मेरा दोस्त है वरना मैं उससे कभी बात नहीं करता. आप सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं द पॉइंट इज डैट ही इज माई फ्रेंड अदरवाइज आई विल नेवर टॉक टू हिम. द पॉइंट इज डैट ही इज माई फ्रेंड अदरवाइज आई विल नेवर टॉक टू हिम. आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते की परवाह किए बिना, है ना. कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं उसने किसी के परवाह किए बिना मेरा साथ दिया, है ना. इस तरह के हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रिगार्डलेस ऑफ का यूज़ करते हैं. कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, वह मेरी दोस्त है और मैं उसका साथ दूंगा किसी की परवाह किए बिना. आप बोल सकते हैं सी इज़ माई फ्रेंड एंड आई विल स्टैंड बाई हर रिगार्डलेस ऑफ एनी वन. सी इज़ माई फ्रेंड एंड आई विल स्टैंड बाई हर रिगार्डलेस ऑफ एनी वन. एक और एग्जाम्पल देखिए, चाहे जो हो मैं इसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना करूँगा. यू कैन से कम वॉट मे आई डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेज. कम वॉट मे आई डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेज. हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ ही पल में, है ना. मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं उससे फ़ोन पे बात कर रहा था और कुछ ही पल में वह यहाँ आ गया. इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स का यूज़ करते हैं. कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, पांच कर्मचारियों को कुछ ही पल में निकाल दिया गया, है ना, मतलब तुरंत. तो इस तरह के हिंदी की सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स का यूज़ करते हैं. आप बोलेंगे फाइव एम्प्लॉइज वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स. फाइव एम्प्लॉइज वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स. अभी मैं उससे फ़ोन पर बात कर रहा था और कुछ ही पल में वो यहाँ आ गया. आप बना सकते हैं आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम ऑन द फोन एंड ही केम हेयर इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स. आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम ऑन द फोन एंड ही केम हेयर इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स. हमारा अगला स्ट्रक्चर है, पहली बात तो यह है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे बोलते हैं, पहली बात तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, है ना. इस तरह के इंग्लिश हिंदी की सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द फर्स्ट प्लेस का यूज़ करते हैं. कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, पहली बात तो यह है कि आज मैं वहाँ गया भी नहीं. आप बना सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस आई डिडंट इवन गो देयर टुडे. इन द फर्स्ट प्लेस आई डिडंट इवन गो देयर टुडे. एक और एग्जाम्पल देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ तो उसका पता मुझे कैसे पता होगा. आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप बोलेंगे इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट इवन नो हिम. हाउ विल आई नो हिज एड्रेस. इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट इवन नो हिम. हाउ विल आई नो हिज एड्रेस. हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बात को अनसुना कर देना. कई बार हम ऐसे बोलते हैं उसने मेरे बात को अनसुना कर दिया, है ना. तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टर्न अ डीप ईयर टू का इस्तेमाल करते हैं. कैसे करना है एग्जांपल देखिए, नहीं मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसने मेरे बात को अनसुना कर दिया. आप बोलेंगे नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही टर्न अ डीप ईयर टू मी. नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही टर्न अ डीप ईयर टू मी. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ यार, मैंने उसके बात को अनसुना कर दिया. डे टू डे लाइफ में अक्सर आप ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट थिंक सो मच ब्रो, आई टर्न अ डीप ईयर टू हिम. आई डोंट थिंक सो मच ब्रो, आई टर्न अ डीप ईयर टू हिम. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई कसर ना छोड़ना. अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने सफलता प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा. तो आप इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का इस्तेमाल करते हैं. कैसे करना है एग्जांपल देखिए, पता है उसने मुझे बदनाम करने में
कोई कसर नहीं छोड़ा। आप बोल सकते हैं, यू नो वॉट, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड टू डिफेम मी। यू नो वॉट, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड टू डिफेम मी। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसने एक सफल व्यापारी बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, मतलब जी जान लगा दिया, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप बोलेंगे ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ किए बगैर नहीं रह सकता। मान लीजिए आप बोलते हैं, मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता हूँ, या फिर मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट हेल्प का मदद लेते हैं। कैसे लेना है, एग्जांपल देखिए, जब वह मुझे देखती है मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप बोलेंगे व्हेन सी सीज मी आई कांट हेल्प लाफिंग। व्हेन सी सीज मी आई कांट हेल्प लाफिंग। एक और एग्जांपल देखिए, मैं एक दिन भी उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते होंगे, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर इवन अ सिंगल डे। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर इवन अ सिंगल डे। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।